हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग JVWU। और हम जो लास्ट में हमारा लेक्चर था वेदना आदि, उसे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर था BMS थर्ड ईयर बाल रोग विभाग, बाल रोग सब्जेक्ट का। ओके, तो आगे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वेदना अध्याय में। आगे जो आचार्य कश्यप ने वेदना अध्याय के में जो नेक्स्ट तो बीमारी का वर्णन किया है वो बताया है गलग्रह। गलग्रह में क्या बताया है, बच्चों में क्या सिम्टम होंगे जब गलग्रह होगा, तो ज्वर, अरुचि, एक्सेसिव सलाइवेशन और श्वास में कष्ट होना, ये गलग्रह के सिम्टम बताया। जैसे कि ज्वर, अरुचि, मुख स्राव, निश्चेष्ट, गलग्रह बताया। और गलग्रह के अलावा ग्रह रोग भी वेदना अध्याय में आचार्य ने डिस्क्रिप्शन किया। काश्यप संहिता में जो बच्चों में होने वाले ग्रह रोग है, जो बाल ग्रह हम जिन्हें बोलते हैं, वो भी अलग से डिस्क्राइब किए गए। साथ में वेदना अध्याय में ग्रह रोगों का भी एक संक्षिप्त परिचय संक्षिप्त में वर्णन दिया हुआ है हमें। जब बच्चे ग्रह रोग से आक्रांत हो जाते हैं तो इसमें दो तरीके के सिम्टम्स बताए। पहला सिम्टम बताया है कि जो बच्चे की मदर है यानी कि धात्री है, माता है, वो क्या क्या सिम्टम उसमें आएंगे, वो किस तरीके के सपने देखेगी और बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिशु की माता में क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं। तो जो धात्री होती है, बुरे सपने देखती है। बुरे सपने में क्या क्या देखती है, जैसे कि स्तनों से सोए में दुग्ध प्रवृत्ति होती है, उससे बालक का स्मरण न रहे, शिशु को अपस्मार रोग हो जाता है। ऐसा धात्री बच्चे को ग्रह रोग होने वाला होता है तब सपने में देखती है। बालक से ऐसा गोद से गिर पड़े या दुष्ट पुरुषों के साथ संसर्ग या भोजन करना या पुत्रों की मृत्यु हो गई हो या जो दूसरों की वृद्धि को सहन नहीं कर सकते, इस तरीके के बुरे सपने धात्री को आते हैं। बच्चे में क्या सिम्टम आते हैं जब वो ग्रह रोग से आक्रांत हो जाता है, तो शिशु शरीर व मुख से दुर्गंध आने लग जाती है, नासिका के अग्रभाग में मल उत्पत्ति हो जाती है यानी कि हमेशा मल से लिपटा हुआ रहता है, माता पुत्र दोनों अशुद्ध रक्त वर्ण के माला का धारण करते हुए रहते हैं, तब भस्म अंगार तुषा के ढेर पर बैठे हुए होते हैं। ये शायद उन्हें सपना आता है या फिर इन सिम्टम से युक्त हो जाते हैं। बच्चा सहसा रोने लग जाता है, हमेशा डर जाता है, छाया स्वभाव में उसके परिवर्तन हो जाते हैं, छाव में यानी कि उसके टेक्सचर में परिवर्तन हो जाता है, बोर्ड का जो हो रहा है वो चेंज हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा या गुस्सेल प्रकृति का हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। फूड हैबिट्स में कम खाना हो जाएगा बच्चे का, मलमूत्र कभी कम कभी ज़्यादा या कभी अधिक त्यागता है, बालक अपने सिर को धारण नहीं कर पाता, आँख इधर उधर फेंकता रहता है, तथा दुर्बलता, श्वास रोग आदि मन की प्रवृत्ति होती है। बालक विनोद पसंद नहीं करता, मतलब अगर आप उसे खिलाते रहते तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, प्यास लगेगी ज़्यादा, कबूतर की तरीके के शब्द करेगा, ये सब ग्रह रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। तो जो बाल ग्रह है हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाल ग्रह को वेदना अध्याय में या ग्रह रोग के रूप में बताया गया है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट जो व्याधि बताई गई है वो चक्षु रोग बताया गया है। चक्षु रोग में बताया कि बच्चों में अगर आई डिजीजेज हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम आएंगे। दृष्टि व्याकुलता रहेगी, चक्षु में तो यानी कि आई में उसे ब्रेकिंग सेंसेशन फील होगी, स्वेलिंग आएगी अराउंड द आईज, आई पेन होगा या अश्रु का अधिक आना, एक्सेसिव लेक्रिमेशन होगा, रेडनेस हो जाएगी और सोने पर दोनों नेत्र चिपक जाएंगे, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस में होता है मेनली पेशेंट्स में। यही चक्षु रोगों के लक्षण बताए कश्यप ने। दृष्टि व्याकुलता, तोध, शोथ, शूल, रक्तता यानी कि बहुत ज़्यादा तोध होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी आईज में। सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषि चक्षुर आमे। सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा सो के उठेगा तो चक्षु के रोगों में उसके दोनों जो पलके अपर एंड लोअर लिड है वो चिपक जाएगी आपस में। नेक्स्ट डिजीज छर्दी रोग बताइए। छर्दी रोग में बताया कि बिना किसी कारण के बार बार उद्गार होना यानी कि बेल्चिंग होगी पेशेंट को, नोजिया भी हो सकता है, साथ में निद्रा जरंभा आ रही हो तो वो मन की संभावना रहती है। तो छर्दी रोग के पूर्व रूप या एक तरीके से सिम्टम्स जो बच्चों में हो सकते हैं वो क्या है,
अनिमित्तम अभिक्षणम च यस्य उद्गार प्रवृत्ते, यानी कि उसमें उद्गार की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी बार बार और बिना किसी कारण के उसे बेलची होगी। निद्रा जृंभा परितश्य, नींद आएगी बच्चे को और जृंभा रहेगी, इसे छर्दी, ऐसे लक्षण मिल रहे तो मैं छर्दी से जानना चाहिए। छर्दी के बाद हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिखा है जंतुदंश के बारे में। जंतुदंश के बारे में यानी कि बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया या दंश स्थान बाइट, इंसेक्ट बाइट हो गई, तो वहाँ पे क्या क्या लक्षण दिखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि इसे इंसेक्ट ने काटा है। जैसे कि स्वस्थ व्रतो परो बालो न शेते तो यदा निशि, रक्त बिंदु चित्तांगस्य विद्यात जंतु का अर्थितम, यानी कि अगर स्वस्थ बालक है, हमें बिल्कुल हेल्दी बच्चा दिख रहा है, यदि रात में ना सो, उसको रात में नींद नहीं आ रही है, या उसके किसी अंग पर लाल वर्ण के बिंदु दिखाई दे, यानी कि रक्त बिंदु चित्त अंग दिखाई दे, रक्त बिंदु दिखाई दे किसी अंग पर, तो ये समझना चाहिए कि किसी जंतु ने उसे काटा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ज्वर के बारे में। ज्वर कि जब बच्चों में ज्वर हो रहा है तो उसका कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर से तो पता लगेगा है, लेकिन जब ज्वर के पूर्व रूप आने वाले होते हैं या मानसिक संताप की कंडीशन होती है तो हमें किस तरीके से पता लगेगा, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो मुहुर नम्यते अंगानी जृम्भते कांसते मुहुः, यानी कि बार बार अपने अंगों का नमन करता है, जृम्भते जृम्भाई लेता है बार बार, और खांसी करता है बार बार, ये हो गए ज्वर के रोग के। धात्रिम आलियते अकस्मात स्तन्यम न अति अभिनंदति, और दूसरा धात्री से चिपक जाता है, धात्रिम आलियते अवस्मात, यानी कि बच्चा अचानक ही अपनी मम्मी से चिपक जाता है, और स्तन्य न अभिनंदति यानी कि उसको स्तन्य की इच्छा नहीं होती है, या तो अरुचि मान लो या उसे भूख नहीं लगी, इस तरीके से मान सकते हैं। आगे लिखा है प्रस्राव उष्णत्व वैवर्ण्य, यानी कि उसमें स्राव रहेगा, लाला स्राव रहेगा, शरीर उष्ण रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उष्णत्व रहेगा, वैवर्ण्यता हो जाएगी शरीर में। ललाटस्य तो अति तप्तता, आप पता कैसे लगता है कि बुखार आ रही किसी को, ललाट को छू करके पता लगता है, फोरहेड को छू करके, तो ललाटस्य अति तप्तता यानी कि उसका से गर्म होगा, अरुचि रहेगी इसलिए वे स्तन्य अनभिनंदनता। पादियों शैत्य पैर ठंडे रहना, ज्वरे शु पूर्व वेदना, ये ज्वर के पूर्व लक्षण बता दिए गए। तो बच्चों में अगर ज्वर हो रहा है तो पता किस तरीके से लगेगा हमें ज्वर के लक्षण का, तो मुहुर नम्यते हो गया कि अपने शरीर को बार बार मोड़ लेगा, जम्भा करेगा, बार बार खांसी करेगा, अपनी माँ से अचानक से चिपक जाएगा, उस भूख नहीं लग रही है या फिर अरुचि हो रही, इसलिए स्तन्य अनभिनंदति, स्तन का पान नहीं करेगा, साथ में उसका ललाट रहेगा, गर्म रहेगा, पैर ठंडे रहेंगे, ज्वर के कुछ पूर्व रूप बताए गए जिससे हमें पता लगेगा कि बच्चे को ज्वर हुआ है। अगले रोग के बारे में बताया वो है तृष्णा। तृष्णा के लिए क्या बोला है कि स्तनम पिबति च अत्यर्थम न च तृषिति रोदिति, यानी कि बच तृष्णा में हम क्या करते हैं, पानी पीते, बार बार पानी पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, उसी रोग को हम तृष्णा कहते हैं। बच्चे का जलपान एक तरीके से क्या है, स्तनपान है, तो बच्चा क्या करता है, अति स्तनपान करने के बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती, उसकी प्यास खत्म नहीं होती है, तो वो तृष्णा रोग होता है। और क्या लक्षण मिलेंगे, जब तृष्णा है यानी कि प्यास लग रही है, मतलब हमारी ड्राइनेस हो रखी है, तो ड्राइनेस कहाँ कहाँ मिलेगी वो देखते हैं। शुष्क ओष्ठ तालुष्य अप्येस दुर्बल तृष्णा अर्दित, यानी कि क्या होता है, शुष्क हो जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं, ड्राइनेस आती है उसके ओस्ट लिप्स में, तालू सूख जाएगा, और अप्येस तोय अप्येस यानी कि उसे जल की इच्छा होती है, यही हमारा तृष्णा से अर्दित व्यक्ति या तृष्णा से अर्दित बालक समझना चाहिए। कि नेक्स्ट रोग बताया प्रमेह। अगर बच्चे को प्रमेह है यानी कि आप ये समझ लो न्यूनेटल डायबिटीज़ है, तो उसके लक्षण क्या क्या मिलने वाले हैं हमें, लिखे गौरवम बद्धता जार्ड्यम अकस्मात मूत्र निर्गमा, प्रमेह माक्षिका क्रांत मूत्र श्वेत घन तथा। तो इसमें दो तरीके के लक्षण बता दें, तो जनरलाइज करेक्टर बता दिए कि पूरे बॉडी में क्या लक्षण मिलने वाले हमें, दूसरा यूरिन का एक स्पेसिफिक करेक्टर बता दिया कि प्रमेह ही है तो उसके यूरिन किस तरीके से
होगा। तो शरीर के जो लक्षण है उसमें बताया है कि गुरुता रहेगी, शरीर भारी रहेगा, बद्ध रहेगा, जड़ जकड़ा हुआ स्टिफ रहेगा, अकस्मात मूत्र हो जाएगा, अकस्मात मूत्र निर्गमन यानी कि मूत्र की प्रवृत्ति बच्चे में अकस्मात हो जाएगी। उसे बच्चे में वैसे भी हो जाती है मूत्र की प्रवृत्ति अकस्मात, लेकिन जब तक उनकी स्फिंक्टर टोन नॉर्मल नहीं होती तब तक। लेकिन डायबिटीज़ वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब बच्चे की वो एज आ जाती है, जब उसकी टोन नॉर्मल हो जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है ब्लैडर पे, उसके बाद भी अकस्मात मूत्र निर्गम हो जाएगा। साथ में मूत्र के करेक्टर पे लिखा हुआ है कि मूत्र पे मक्खी बैठना, मक्षिका से आक्रांत यूरिन रहेगा। क्या हो सकता है कि उसमें शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हो, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा हो, हिमोग्लोबिन इसलिए हो रहा हो, या मूत्र का वर्ण श्वेत श्वेत और घन यानी कि थिक यूरिन रहेगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी यूरिन के। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज बताइए, पीनस। पीनस तो प्रमेह के बाद जो नेक्स्ट है हमारा डिजीज जो काशिप ने वर्णन किया है वेदना अध्याय में, वह है पीनस। पीनस मतलब कि एक तरीके से प्रतिशय, अगर बच्चे को कोल्ड हुआ है तो उसका हमें पता किस तरीके से लगेगा। मुहुर मुखेन उच्छ्वसति पीत्वा पीत्वा स्तनम तू ही। इसका मतलब क्या है कि जो शिशु स्तनपान करते हुए बार बार नासिका से श्वास लेता है, जिसकी नासिका से बार बार स्त्राव होता है, स्त्रव तो नासिका चे ललाटम च अभी तप्यते, तथा ललाट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, श्रोतसाश्च अभीक्षणम स्पृशति, श्रोतस को बार बार स्पर्श करता है, पीनस से क्षोति का सती तथा उसको पीनस समझते, तथा क्षोति यानी कि बार बार छींकता भी है, खांसी भी करता है, तो उसे पीनस रूप से आक्रांत हमें समझना चाहिए। उरो घाते तथेव श्या, तो हम पढ़ रहे थे पीनस। तो पीनस में इन्होंने दो अलग अलग रोगों को डिस्क्राइब किया, तो पीनस को बताया, दूसरा उरोघात को बताया। जो पीनस के सिम्टम्स हमने अभी पढ़े उन्हीं में अगर गर्म श्वास प्रश्वास निकलती है बच्चे की, तो उसे हम उरोघात समझना चाहिए, यानी कि पीनस उरोघात दोनों बता दिए। पीनस उरोघात के सेम लक्षण, उरोघात में पीनस के लक्षणों के साथ साथ गर्म गर्म श्वास भी निकलती है बच्चे की नासिका से, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिजीज बताइए, मदाते। मदाते बच्चों में जो मदाते बताए, यानी कि हम इसे मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं लिवर सिरोसिस से, चाइल्डहुड लिवर सिरोसिस से, तो उसके बारे में क्या लिखा है ये बताते। मूर्छा प्रजाग्रत छर्दी धात्री द्वेष अरति भ्रमे वित्रास उद्वेग तृष्णा भीर विद्याद बाले मदात्यम। तो मदाते के लक्षण क्या बताएं, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाएगा बच्चा, जागरण यानी कि कभी अनकॉन्शियस होगा, कभी कॉन्शियसनेस की कंडीशन में आ जाएगा, छर्दी वमन होएगी यानी कि जैसे कि सिरोसिस होता है तो उसमें हेमिटेमेसिस हो जाती है, वैसे तरीके से नोजिया या वोमिटिंग की कंडीशन अगर सीवियर होगा तो हेमिटेमेसिस की कंडीशंस बनेगी, धात्री द्वेष रहेगा जैसे कि बच्चे में धात्री द्वेष मिल रहा है यानी कि अपनी मम्मी को भी अच्छा नहीं लग, मम्मी जिसको मतलब कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से मान सकते हैं। अरति रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, भ्रम चक्कर आएंगे, विस्त्रास डरावा रहेगा, उद्वेग तृष्णा के लक्षण भी मिल रहे हैं, तो मदाते समझना चाहिए। मदाते जो नॉर्मली अनकॉमन डिजीजेज है, रेयर डिजीजेज है, वो भी धात्री द्वारा जो पोष्य अर्थात जीवन के प्रथम 5 से 6 वर्ष में एज होती है उसकी, 5 से 6 वर्ष में हो सकता है। बताते के बाद मुख रोग बताया, मुख रोग में क्या बताया कि पहले हमने पढ़ा था अधिजीविका जो कि अंदर मुखगत रोग था, जीवागत रोग के अंदर पढ़ा था, उसमें हमने मुख के भी साइन सिम्टम पढ़े थे। मुखगत रोग में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे लाला स्त्राव आदि के, ये अधिजीवा में भी था, मुख रोगों में भी आएगा। दुग्ध द्वेष यानी कि स्तन्य द्वेष रहेगा, ग्लानी पीड़ा रहेगी उसके, पिए दूध को उगल देगा यानी कि वो वॉमिटिंग होगी, उसे छर्दी होगी, नाक से श्वास लेना मुख रोग के लक्षण है। अगर मुख रोग है तो अपने ओरल कैविटी को या माउथ को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसे दर्द होगा, इसलिए वो नाक से जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो मुख रोग के बारे में लिखा गया लाला स्त्रवणम अत्यर्थम स्तन द्वेषर अर्ति व्यथा पीतम उद्गिरति शीरम, जो भी शीरपान उसने किया है, स्तनपान किया है, उसको उद्गार कर देता है, नासा श्वासो मुखा में, और नासा से श्वास लेता है, ये स्पेसिफिक करेक्टर हमारे मुख रोगों में मिलेगा। फिर मूत्र कुछ पढ़ा
पढ़ेंगे हम नेक्स्ट रोग, एक दूसरा रोग पढ़ा था हमने अश्मरी या शर्करा, जिसमें कृच्छता से मूत्र की प्रवृत्ति होती है, मूत्रकृच पढ़ेंगे। मूत्रकृच में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं? रोम हर्षो अंग हर्ष, रोम हर्ष रहेंगे यानी कि होरिपिलेशन मिलेगा, अंग हर्ष रहेगा, मूत्र काले च वेदना, मूत्र त्याग के समय वेदना मिलेगी। ओष्ठ दंश एवं हाथ से बस्ती देश को छूना लक्षण मिलेंगे। मूत्रकृच्छ में दश्यते ओष्ठ, मतलब इतना पेन होगा कि वो अपने ओष्ठों को दंश करेगा, जैसे कि मुंह को नहीं भींच लेते हम उस तरीके से करके ओष्ठ दंश रहेगा। स्मृति पाणिना, और जो उसको जहाँ पेन हो रहा है मेनली बस्ती प्रदेश में, उसको अपने हाथों से टच करेगा, बार बार स्पर्श करेगा। इसका मतलब है कि बच्चे को मूत्रकृच्छ और हो सकता है कि अश्वरी जन्य ही हो। नेक्स्ट बीमारी है व्याधि विसर्प, के बारे में पढ़ेंगे। विसर्प के लिए लिखा है रक्त मंडल उत्पत्ति तृष्णा दाहो ज्वरो अर्ति। विसर्प के लिखा है कि बच्चे में क्या क्या सिम्टम मिलेंगे। रक्त मंडल की उत्पत्ति मिलेगी। विसर्प एक तरीके से स्किन डिजीज है, वो भी एक इन्फेक्शियस स्किन डिजीज होता है, उसको एरिसिपेलिस बोलते हैं। बच्चों में अगर हुआ है तो रक्त मंडल उत्पत्ति रहेगी पूरी स्किन पे। जनरलाइज सिम्टम उसे तृष्णा मिल सकती है, प्यास लगेगी, दाह रहेगा और टेम्परेचर बढ़ा हो रहेगा, फीवर रहेगा, ज्वर हो गया। स्वादु शीत उपशायित्व विसर्पस्य अग्रवेदना, और ये बोल रहा है कि बच्चे को स्वादु और शीत यानी मधुर और शीतल द्रव्यों की इच्छा होगी। विसर्प में मेनली रक्त मंडल, दाह, ज्वर, ये सब पित्त डोमिनेंसी वाले सिम्टम्स हैं हमारे, तो इनको कम करने के लिए पित्तनाशक जो रस होंगे या फिर जो गुण होंगे उनकी इच्छा करेगा। इसलिए बताया है कि स्वादु शीत उपशायित्व, स्वादु और शीत की इच्छा रहेगी विसर्प वाले रोगी में। अगली बीमारी है विसूचिका। विसूचिका के बारे में लिखा है दहनते अंगानि सूचयन्ति भज्यन्ते निष्टनत्यति। विसूचिकायां बालानां हृदि शूलं च वर्धते। विसूचिका के बाद हम पढ़ेंगे श्वास रोग के बारे में। श्वास रोग के बारे में बताया है कि ओनली निष्टन्ते उरसा अति उष्णं श्वासस्य उपजायते। उरसे ओनली गर्म इसका आना ही इसका एक प्रमुख लक्षण बताया गया है। और जबकि उरोघात में हमें बताया कि पीनस के साथ गर्म श्वास निकलता है नासिका से, जबकि उससे अगर गर्म श्वास निकल रहा है ओनली तो श्वास रोग का लक्षण बताया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे हिक्का। हिक्का के बारे में लिखा है कि अगर क्रस शिशु में अकस्मात वायु के उद्गार का होना हिक्का की संभावना को व्यक्त करता है, कि इससे हम जान सकते हैं कि बच्चे को हिक्का हुई है। शूल के बारे में पढ़ेंगे कि अचानक जनरलाइज शूल का नहीं, एक स्पेसिफिक जिस ऑर्गन में शूल हो रहा है उसके हिसाब से हमें करेक्टर्स बताएं, जैसे कि उदर शूल, कंठ, कर्ण और शिर शूल के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बच्चे में अगर पेट दर्द हो रहा है, उदर शूल है, तो क्या क्या लक्षण मिलने वाले हैं। इसमें हमें लक्षण मिलेंगे कि बच्चा स्तनपान करना छोड़ देता है, रोता है, उत्तान लेटा होता है यानी कि सुपाई लेटा होता है, जो भी उसके कंफर्टेबल कंडीशंस होती है उसमें। उधर स्तब्ध रहेगा, स्टिफनेस रहेगी जब हम एग्जामिनेशन करेंगे एब्डोमिन का। शीत लगना, तब मुख पे पसीना आना, ये उधर शूल के लक्षण बताएं। तो उधर शूल के लिए बताएं स्तनम विदश्य रोति च उत्तानश्च अवभज्यते। उधर में स्तब्धता, उधर स्तब्धता, शैत्य मुख, मुख श्वेत रहेगा, स्वेद रहेगा, सूलीना, ऐसा उदर शूल के लिए बोला है। अगर बच्चे को गले में दर्द है, कंठ शूल है, तो उसमें गले में वेदना तथा पिए हुए दूध को उलट देगा यानी कि उसको वोमिट कर देगा। पीतम उद्गीरति स्तन्यम विस्तिभ्यति श्लेष्म सेवनम। अगर ईषद ज्वर अरुचिर ग्लानी कंठो वेदना या आरती यानी, और दूसरा श्लेष्म पदार्थ का अगर वो सेवन करता है तो विस्तंभित हो जाएगा, वो वहीं पे अटक जाएगा, कफ बढ़ाने वाला जो पदार्थ है, थोड़ी मात्रा में उसको ज्वर रहेगा, बच्चे को ग्लानी और अरुचि की उत्पत्ति होगी। कर्णशूल होगा अगर बच्चे को, तो हाथ से कर्ण का स्पर्श करता है, कर्ण स्पर्शाति हृष्टाभ्याम। और अगर शिरोशूल है तो शिरो भ्रमति भ्रशम, शिर को अत्यधिक इधर उधर हिलाता रहता है। और साथ में शिरोशूल में क्या होता है, अरति, अरोचक, स्वप्ने, अरोचक, अस्वप्न यानी कि अनिद्रा रहेगी, ऐसा कर्णशूल में या कर्ण वेदना में होता है।
रसम क्षीरम स्पंदयति निमीलयति चक्षुषु, अत्यधिक सिर को हिलाता है, आंखें बंद कर लेता है। अवकुजते अर्तिर अवमान स्वप्न शिरु रुझि, और रात में सोते सोते चिल्लाना, आहार में ग्लानी, नींद नहीं आती, ये सब शिरो रोग के लक्षण बताए गए हैं। बच्चे को शिरो रोग है तो ये लक्षण उसमें मिलते। इस प्रकार काश्यपोक्त वेदना अध्याय समाप्त हुआ। अब